भिवंडी शहर में नामवंत संस्था व पद्मशालियों के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों के लिए विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने वाली तेलुगु समाज शिक्षा संस्था के अध्यक्ष भूमेश कल्लडप जी का जन्मदिन पेनेगांव पीएम एंड जूनियर कॉलेज में किया गया। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था द्वारा पूरे भिवंडी में 5 स्कूल चलते हैं। सभी स्कूलों में विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देते हैं। पद्मनगर में विकास इंग्लिश मीडियम स्कूल और कामतगर पेनेगांव में पीएम एंड जूनियर कॉलेज में तकरीबन 3000 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के चीफ ट्रस्टी स्वर्गीय लक्ष्मण बैरी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किए भूमेश कल्लडप। पिछले 35 सालों से तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में निस्वार्थ भाव से अपना सेवा दे रहे हैं। एक सदस्य के रूप में शामिल होकर आज इतनी बड़ी संस्था का अध्यक्ष बने हैं भूमेश कल्लडप। उसी तरह भिवंडी मनपा में उनकी धर्मपत्नी पद्मा भूमेश कल्लडप नगर सेविका रूप में काम करके पद्मनगर की जनताओं को सेवा दे रहे भूमेश कल्लडप। 60 साल के हो गए फिर भी उनकी पूर्ति व उनकी काबिलियत इतनी तेज है कि वह एक युवक की तरह जनसभा में मगन हो गए हैं। समाज सेवक व तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भूमेश कल्लडप जी के अच्छे स्वभाव के चलते पद्मनगरी नहीं पूरे भिवंडी शहर में सभी राजनीतिक व समाज सेवक लोग उनको मानते हैं। आज तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में भूमेश कल्लडप आज अध्यक्ष के तौर पर अपना कारोबार संभालकर स्कूल के सभी कामकाज अपने कंधे पर लेकर काम कर रहे हैं। आज पेनेगांव तेलुगु समाज शिक्षण संस्था द्वारा संचालित पीएम एंड जूनियर कॉलेज में संस्था के चीफ ट्रस्टी श्री बैरी रामास्वामी जी के मार्गदर्शन में आज अध्यक्ष भूमेश कल्लडप जी का जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के चेयरमैन निष्काम बैरी, ट्रस्टी गाजंगी कृष्णा, माजी अध्यक्ष कुंदेन पुरुषोत्तम, कोडम राजन्ना, मंचाला शंकर, गंगाधर बैरी जी के साथ साथ 5 स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचरों ने दिए हैं। भूमेश जी के बारे में सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य भाषण में दिए हैं। समाज सेवक व तेलुगु समाज शिक्षण संस्था के अध्यक्ष भूमेश कल्लडप जी के जन्मदिन के अवसर पर स्कूल के अंदर सभी समाज सेवक लोग भी आकर उन्होंने शुभकामनाएं दिए है। जिस तरह धर्मंत्री मामलाल, कमटम सत्यनारायणा, साई सागर दोड़नाला, वासुदेव, सत्यम कोटा, सतीश मसना व आदि लोग आए, उसी तरह भूमेश कल्लडप जी के परिवार इन लोगों ने भी जन्मदिन की शुभकामनाएं मनाए और भूमेश कल्लडप जी के हाथों से केक कटवाकर उनको शुभकामनाएं दिए है। और ऐसे अच्छा काम तो अभी भी हमेशा करते रहते हैं। मैं लगभग 20 साल या 25 साल 30 साल से उनका मेरा जान है, पहचान है, क्योंकि कभी भी कोई भी काम मैं बोलूँगा ना नहीं बोला अभी तक, वो ना बोलेगा भी नहीं। मुझे मालूम है भूमान भाई जाए तो ये काम होगा बोले तो होगा, क्योंकि वो उसका एक रास्ता निकाले, उनके पास है ऐसा तत्पर है। और किसी समय भी फ़ोन करूँगा तो उठाएगा, ऐसा नहीं उठाएगा। और कभी भी ऐसा जरूरत पड़ेगा तो बोलता है कि आप जब भी फ़ोन करो मैं आधी रात में भी हाजिर है। ऐसा व्यक्ति एकदम स्वच्छ और निस्वार्थ व्यक्ति है वो। कभी भी मैं देखता हूँ तो अच्छे बातें करते हैं और किसी से गुस्सा से भी नहीं बात करते। प्रेसिडेंट दिया गया और हमेशा जब भी वो स्कूल विजिट करते उनको भी बताया कि गया तो राहुल को उतना कुछ मांगेगा, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। मतलब उनको ऐसे लगता है कि जाते जाते अगर वो गाड़ी भी लगा के निकल रहे होंगे फिर भी उनको मतलब हमेशा वो उनको लगता होगा कि राहुल हमेशा परेशान करता है, लेकिन हमेशा वो कुछ ना कुछ कभी ना नहीं बोलते, ये चाहिए वो करेंगे, जितना डिमांड करते बच्चों के लिए जो फ़ायदा होगा, स्टूडेंट्स के लिए जो जो फ़ायदा होगा वो हमेशा कार्यरत है। कभी भी उनको फ़ोन किया वो हमेशा आते, अगर स्कूल में से निकल भी गए और उनको फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे पेरेंट्स हैं, ये 5 मिनट में 10 मिनट में आते, मतलब हमेशा वो अपना समय डेली, अभी भी रिसेंटली लास्ट 1 मंथ से देख रहे कि वो मैक्सिमम 3-4 घंटा वो स्कूल में बैठ रहे। आज से 15 साल पहले, क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं थे, कुछ नहीं थे, लेकिन बालाया भैरी जी के साथ में, लक्ष्मण जी के साथ में वो हमेशा हर जगह जाना, हर जगह काम में हाथ बटाना, ऐसे काम करने वाले पिछले कई वर्षों से जो हमारे साथ में संस्था में काम कर रहे हैं। स्कूल के कोई भी काम हो, संस्था के रूप में हो या स्कूल के बारे में हो, कुछ
ग्राउंड के बारे में, म्यूनसिपाली के बारे में कुछ भी काम होएगा वो तत्परता से करते रहते हैं। मैं उनको एक बोलना चाहता हूँ, तरुण तड़पदार के रूप में वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमेशा सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहती है। कुछ भी कार्य करे, कुछ भी प्रोग्राम करे, कुछ भी उनके हाथ से कुछ चीज होवे, वो सोशल, आज का दुनिया एकदम सोशल मीडिया की दुनिया है, उसके अंदर एक्टिवनेस उनमें एक अपने को देखने मिल रहा है। हमारे स्कूल में जब से 3-4 महीना हुआ हमने नया अध्यक्ष के रूप में उनको सिलेक्शन किया, तब से लेके अभी तक डेली टाइम देते हुए, अपना अमूल्य टाइम देते हुए वो स्कूल के लिए, संस्था के लिए कार्य करने का हमेशा कोशिश रहा। अपडेट, आज का दिन बहुत ही महत्व का है क्योंकि आज षष्ठी पूर्ति है। उमेश जी कल्याण हमारा अध्यक्ष है, उनके बारे में सबने बताया कितने एक्टिव है। ये 60वां वर्ष में ये एक्टिवनेस, अभी उनका चेहरा देखने को ऐसा, मैं बार बार उनका चेहरा देख रहा था बाद में बैठ के, 60 के तो नहीं लग रहे, और एक्टिवनेस तो बोलना ही चाहिए। जैसे अभी कुंदन जी बताया, किसी ने और बताया कि वो सोशल मीडिया में रहते हुए सुबह का जो समय है बरोबर प्लानिंग किया उन्होंने, सुबह का जो समय है बरोबर वार्ड में 7 बजे, कभी कभी व्हाट्सएप पे उनका वार्ड का फोटो आता है, गटर के पास काम करा रहे, रोड के पास काम करा रहे, नल का पाइप का काम करा रहे, चैम्बर का काम करा रहे, सुबह 7 बजे का फोटो बरोबर सोशल मीडिया में सब है, लेकिन किसी ने व्हाट्सएप पे जुने फोटो डालने का आदत है कुछ नगर सेवकों को, ये सब चमत्कार करने वाले लोगों को मालूम है, लेकिन भूमेश का टाइम के साथ फोटो आता है, टाइम और डेट रहते फोटो पे, ये काशिफ है कि ये टाइम पे मैं ये जगह पे हूँ। अगर उनको पकड़ने तो आसान नहीं होगा, उनको मिलना है तो वो टाइम पे उधर जाएगा तो मिल भी जाएंगे। तो इस तरह के चतुर तरह से काम करना, ये जो चतुरता रहती है इनके एक काशिफ गुण है कि मैं अवेलेबिलिटी जो है मेरी इस तरह की अवेलेबिलिटी है, मैं लोगों का काम इस तरह का काम कर सकता हूँ। एक बहुत अच्छा मैसेज समाज में जा रहे हैं। आज जो भूमेश कल्याण जी का 60वां जन्मदिन मना रहे हैं, भूमेश ऐसा लगता ना कि 60वां साल हुआ है, क्योंकि हमेशा वो तर्रा ताजा रहते हैं, हमेशा अच्छे रहते हैं और हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी मैंने देखा नहीं ऐसा कि एक्टिव नहीं है करके, किसी भी चीज़ में कोई भी संस्था में वो रहने दो वो एक्टिव रहते हैं। क्योंकि अभी तक लोगों ने बताया आपने लोग कि रोटरी क्लब होने दो, युवक पर्वशाली युवक मंडल होने दो और अपने संस्था में होने दो और नगर सेवक राजनीति में होने दो, वो हमेशा एक्टिव रहते लोग। आजकल काउंसलर जो लोग जो रहते हैं वो ग्राउंड पे चलते नहीं, ग्राउंड लेवल पे चलते नहीं, इलेक्शन आएगा तो कुछ तो भी लोगों को मिलने का खाली, और बाद में अपना मोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी लेके घूमने का, जो वो रोड पे खड्डा रहता है उसी पर बड़ा गाड़ी लेके घूमते, उनको कुछ होता नहीं, उनको पैर का समझो कमर का कुछ दुखता नहीं, जो कि वो बड़े गाड़ी में चलते हैं। लेकिन अपने भूमेश जी ऐसा नहीं है, वो हमेशा ग्राउंड लेवल पे काम करता है, कभी भी लोगों से संपर्क रखता है और लोगों की सेवा करता है। आपका जरूरी है, आपके आशीर्वाद से हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग के आशीर्वाद है। कुछ काम बताएगा तो काम कर रहे हैं, मगर दोनों हाथ से ताली बजेगा जब भी ना, मैं अकेले करते जाऊँगा आप देखते जाएगा तो अच्छा नहीं रहे। आप बोलो तो वो काम होना चाहिए। इसके लिए हमारे तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में और पद्मश्री समाज युवक मंडल में काम करते आ रहा हूँ, क्या मालूम मेरे नसीब में काम करने में ही लगा दिए। युवक मंडल था जब भी वो लोग ने स्लैब डाल के गया, पूरा काम मेरे को करना पड़ा, पूरा ओपनिंग तक। अभी हमारे गए प्रेसिडेंट, स्लैब डाल के गया, पूरा काम मेरे को करना पड़ रहा है इधर भी तेलुगु समाज शिक्षण संस्था में, मगर ये काम ज़्यादा मेरे को लगा देते हैं, वादा है मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा, काम करने में मैं एक्सपर्ट हूँ। आज भागते हैं बिल्डिंग पे तीसरा माला तक, पीछे ऐसे रह जाता है, मैं आगे पहुँच जाता हूँ फटाफट, मैं देखने काम देखने जाता हूँ तो कोई पीछे रह जाता है हमारे लोग, अरे क्या आ जाओ ऊपर, ये ना ऊपर ले जाके दिखाता हूँ मैं इन लोगों को काम, मगर एक्टिव रहना चाहिए। हमारा ट्रस्टी चीफ ट्रस्टी बोल रहे हैं एक्टिव जरूरी है, काम करने के लिए, शरीर के लिए और आरोग्य के लिए जरूरी एक्टिव है, मगर उतना काम करता है तो एक्टिव हो जाता है अपना, सुस्त रहेगा तो काम नहीं करेगा तो सुस्ती रहेगा वो। इसके लिए लोगों को यही है, काम करते जितना भी करो काम। इलेक्शन में कई लोगों का फॉर्म भर नहीं पाया, कई लोगों का फॉर्म नहीं भर पाया था,
उनके पास पीए चार चार लोग होके, चार चार लोग उनके असिस्टेंट लोग होके भी कई लोग तो फॉर्म भर नहीं पाया वहां तक, मैं अकेला दौड़ा हूँ। मालूम है ये काम अकेला जाऊंगा वहां पर वो काम होता है, दूसरे लोग के भरोसे में रही काम नहीं होता है, मैं खुद जाता हूँ। इसके लिए मैं उन लोग से पहले मैं फॉर्म भर के रेडी करके रखा था, वो हैरान था, अपना ओबीसी था, बम्बई भी जाना पड़ता था, बम्बई जाके इधर आके काम मैं अकेला किया हूँ। बहुत से लोगों का काम ही सिंगल काम नहीं हुआ उनका, मैं तो ओबीसी को बम्बई जाके वैलिडिटी करके इधर आके काम करना पड़ता था। मैं ऐसा काम करने निकलेगा ना।